भारत की अर्थव्यवस्था सितंबर से भयानक मंदी में डूबने वाली है। हालत श्रीलंका से भी खराब होगी, यह तय मानिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 600 बिलियन डॉलर के नीचे है। इसमें सितंबर तक खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। इसी सितंबर में देश को 256 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। फिर बटुए में कितने बचेंगे ये आप गिनती लगा लीजिए। अगले साल मार्च तक देश का कुल कर्ज 153 लाख करोड़ का हो जाएगा। 2014 में यह 53 लाख करोड़ था। भारत का व्यापार घाटा मार्च 2022 में 18.51 बिलियन था। निर्यात के मुकाबले देश का आयात 24% से ज्यादा है। देश के बैंकों ने 2014 के बाद से अमीरों का करीब 11 लाख करोड़ का लोन माफ किया है। इस साल के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे, यानी आयात लगातार महंगा ही होगा और बटुए से डॉलर निकलेंगे ज्यादा, आएंगे कम। अब आप बताएं कि खीसे में सिर्फ 350 बिलियन डॉलर रखकर देश कितने दिन तक महंगा आयात बिल चुका सकेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, उसके बाद देश दिवालिया हो जाएगा। क्या सोना गिरवी रखेंगे या फिर कुछ बेचेंगे? कुछ बचा भी है कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, इसलिए केंद्रीय वित्त में हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था राजस्व आय के मामले में अति विविध है, न कि कुछ सीमित स्रोतों पर अति केंद्रित, जैसा कि श्रीलंका के साथ है। तमाम आलोचनाओं को सहते हुए भी सरकार ने टैक्स को कम नहीं किया। निजी तौर पर टैक्स पेयर के लिए यह दुख की तरह है और वह टैक्स में छूट चाहता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जबकि श्रीलंका के टैक्स स्लैब में अधिकांश आबादी कर के दायरे से ही बाहर हो गई थी। अब आप इसे लेकर खुश हो जाएं या दुखी, यह आपका कॉल है। लेकिन भारत में टैक्स की छूट जैसी लोकप्रिय मांग के आगे सरकार ने घुटने नहीं टेके। यह भी याद होगा कि जब कच्चे तेल की कीमत 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच थी, तब भी सरकार ने इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया था। आपको यह हमें बुरा लग सकता है, लेकिन यह कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सरकार के राजस्व के स्रोत को सूखने नहीं देते हैं। लॉकडाउन के जीडीपी के मुकाबले दौरान घरेलू वित्तीय जमा में कमी आई थी, लेकिन अब यह स्थिर है। भारत में राजकोषीय घाटे के अनुशासन को लेकर सरकारें गंभीर रही हैं और जरूरत पड़ने पर भी इसमें ढील दी जाती है। वित्त वर्ष 22 के लिए सरकार ने घाटे के लक्ष्य को पूर्व के 6.8% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है और इसके पीछे की वजह सार्वजनिक निवेश के जरिए आर्थिक वृद्धि की कमजोर गति को मजबूती देना है। लेकिन इसके बावजूद सरकार 2025 से 26 तक इसे 4.5% के नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगले बजट में हमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। 2008 के मंदी के समय में भी ऐसा किया गया था, जब मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक खर्च को बढ़ाया था। लेकिन भारत में राजकोषीय छूट कोई नियम नहीं है, यही अनुशासन हमें बचाता रहा है।